नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में बहुत ही इस बार ऐसी स्थिति है कि लोग चुनना किसे पसंद करते हैं ये लास्ट तक जो है खुलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस समय हम जो है लोकसभा चुनाव के स्थिति पर बात करेंगे और इस समय हम जो है सीतामढ़ी में, इस समय हमारे साथ उमेश जी है और बात करेंगे कि सीतामढ़ी लोकसभा में क्या क्या होना चाहिए। उमेश जी, सबसे पहले आपको स्वागत है आपको भी जी। देखिए, सबसे पहले सीतामढ़ी में देवेश सिंह ठाकुर 20 साल राज्यसभा में रहा जी, लेकिन सीतामढ़ी जिला के जी उन्होंने कुछ काम तो किया ही नहीं है 20 साल के बाद जी। किस मुंह से पैसे वोट मांगने जनता के पास आएंगे वो जी, ये क्या लेकर आएंगे जी। मेरे ख्याल से अर्जुन राय 3 लाख वोट से प्लस करके जीतेंगे जी, कम से कम जी। मेरे ख्याल से बहुत सारा मुद्दा है जो देवेश ठाकुर उसमें नहीं कहीं रेस में है जी। और देवेश ठाकुर जो है वो 20 साल राज्यसभा में रहते हुए न दलित के लिए कुछ किया, न गरीब के कुछ काम किया जी। और राज्यसभा में सिर्फ बैठ के अपना काम किए, गरीब के लिए गरीब चुन कर उनको गरीब के काम करने के लिए भेजा जाता है राज्यसभा, लेकिन गरीब के काम उन्होंने नहीं किया आज तक नहीं। सीतामढ़ी में ऐसा कई गो व्यक्ति है जो देवेश सिंह ठाकुर के जानता हुआ कि राज्यसभा में हम कहते हैं कि 80% लोग नहीं जानते उसको, बल्कि पड़ोस के रहने वाले हैं, आज तक किसी के काम ढंग से नहीं किए। मतलब यानी कैसा काम आप चुनना चाहते हैं? गरीब की काम करें ना। आज मोदी जी राशन बांट रहे, करे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दलित की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दलित के काम पटर पर नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में हो रहा है, लिखित में हो रहा है। अब राशन मिल ही रहा है, बच्चों को स्कूल में खाना मिल रहा है। भाई साहब, राशन दे के तो गरीब के बच्चे के गुमराह कर रहा है। जितना राशन में जगह अगर खर्च कर रहे हैं उतना बच्चे गरीब के बच्चे के पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दे ना। आज गरीब की कई गो बच्चा के सांसद में गया है, कई गो अच्छे ऊंचा शिक्षा मिला है, कि पैसे है नहीं, अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है उसको। यानी उस लायक अगर गरीब होगा दलित होगा तभी तो जाएगा ऊपर। जब आप उसको गरीब के पास आपको बच्चे है चाहे हमारे बच्चे है, पढ़ने के मनोबल है, लेकिन उसका व्यवस्था नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से पढ़ पाएगा? सरकार की सुविधा नहीं है, समस्या तो यहाँ भी है ना। आप किसी मंत्री के पास चले जाइए, अनसुनी होता है, सुनने के गरीब के बात कोई सुनने वाला है? राजनीति गरीब पर सब करते हैं, लेकिन गरीब के सुनने वाला कोई नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा कि आरजेडी के जो उम्मीदवार है अर्जुन राय 3 लाख+ से जीतने जा रहा है, मतलब किस बेस पर अर्जुन राय जीतने जा रहा है? भाई साहब, दलित के मसीहा लालू प्रसाद जी रहे हैं। आज अगर दलित की आवाज उठाया है, आज देखिए ना, आज से 20-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, दलित समाज के तो जूते पैर के जूते समझ के लोगों ने रखा था। अगर दलित की आवाज अगर उठाया, दलित का आज आवाज उठ रहा है तो लालू प्रसाद के देन है। आप चिराग पासवान को मानते कि नहीं मानते? चिराग पासवान जी के मानते हैं, लेकिन उसमें कई चीज है कि चिराग पासवान जी अकेला कुछ बोल ही नहीं पाते, बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, उनका हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के सामने कुछ बोल जाएंगे, दलित के खिलाफ कुछ बोलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई, लेकिन लालू ऐसा एक शख्सियत है कि आवाज उठा सकता है, आवाज के बुलंद करता है। हम कहते हैं कि आज कांग्रेस कह रही है कि हमारे सरकार बनने के बाद हम 1 लाख रुपए पर साल के देंगे, तो गरीबों के लिए तो अच्छा बात है। आज बीजेपी कहाँ से दे देगा? बीजेपी यही बात लाए ना। हम तो कहते हैं हर एक गरीब की, मैं कहता हूँ कि लालू प्रसाद के वोट देना चाहिए, कांग्रेस के वोट देना चाहिए, कि घर में अगर बच्चे की पढ़ाने के भी तो 1 लाख रुपया अगर देगा साल के, तो बच्चे के पढ़ाने के लिखाने के तो कम से कम पैसे मिलेंगे। लेकिन देखा जाए तो कई बार अर्जुन राय चुनाव हार भी चुके हैं, आप देवेश जी लगातार है, तो आपको देवेश जी में और अर्जुन राय में फर्क नहीं लग रहा? कि अर्जुन राय जी है जमीनी नेता है, गरीब के नेता है जी, और गरीब के दर्द की समझता है जी। लेकिन देवेश सिंह ठाकुर नहीं समझेंगे गरीब के लिए जी, क्योंकि गरीबी देखा ही नहीं है। जो व्यक्ति गरीबी देखा ही नहीं है उसको गरीबी की पता क्या है? लेकिन लगातार तो देवेश जी फील्ड में प्रोग्राम कर ही रहे हैं। प्रोग्राम तो कर अभी क्यों नहीं करेंगे? पर आज 5 साल है, 20 साल से कहाँ थे? क्या 20 साल में उनको पास एक भी टाइम नहीं था कि बिहार जनता के हम बीच में एक बार जाए, एक बार जिला में घूमे, मिले लोगों से? ऐसा तो 20 साल में नहीं किए कभी, 5 साल में भी नहीं किए। अर्जुन राय के हम देख रहे हैं कि 5 साल से जनता के बीच में आ रहे हैं, घर घर समस्या देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं गरीब के, ये वजह है। आखिर अर्जुन राय में इतनी खास क्या है जो सभी लोग अर्जुन राय को जो है पसंद करना चाहते हैं? अर्जुन राय जो है वो जमीनी नेता है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसलिए गरीब की मदद करेगा वो। और देवेश सिंह ठाकुर है कि पैसे वाले पूंजी पगा वाला लोग हैं, तो वो गरीबों के सुनता नहीं है, सिर्फ पैसे वाले की बात करता है।
बीजेपी किसका पार्टी है? गरीबों की पार्टी नहीं है, सिर्फ पैसे वाली की पार्टी है, पूंजी पगा की सरकार है। आज गरीबों की क्या सुन रहा है? कहीं नहीं। आज क्या बीजेपी के सरकार में क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? हर जगह हो रहा है, लेकिन उजागर नहीं हो रहा है। कारण यही है, कहाँ रिश्वतखोरी कहाँ बंद हो गया, किस जगह बंद हो गया? अच्छा, अभी जो एनडीए में शामिल है वो कहते हैं कि 400 सीट अगर मिल जाए तो संविधान को बदल देंगे, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण बदल देंगे। तो आपको लगता है कि संविधान बदल जाना चाहिए या फिर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए? देखिए, संविधान तो नहीं बदलना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है बनाकर, जब कुछ नेताओं के जब सौंपा उन्होंने आंख सांसू आगे बाबा भीमराव अम्बेडकर के कि हम दलित के लिए दिन रात मेहनत कर कर और हम ये बनाए दलित के लिए अधिकार के लिए, लेकिन चंद लोगों का हाथ में ये हम सौंप रहे हैं, पता नहीं ये लागू होगा कि नहीं होगा। लेकिन सच कहा उन्होंने कि आज भी लागू नहीं हुआ। वो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर दलित के जो सम्मान दिया लिखा उन्होंने संविधान में बनाया, क्या दलित के आज भी लागू नहीं हुआ उतना जितना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा? तो वो सारी चीज है, बात करने वाले कोई और है, करने वाला बीजेपी के अलग मुद्दा है कि 400 पार, 400 पेयर पर से तोड़ के थोड़ी 400 पार हो जाएगी, कहाँ से ले आएंगे? मेरे ख्याल से बिहार में 20 सीट आना मुश्किल है जी है। और दिवेश सिंह ठाकुर नए चेहरे लाए हैं, तो दिवेश सिंह ठाकुर भी तो राज्यसभा में 20 साल रहे हैं, तो क्या किया जनता के लिए? कहीं बिहार के या सीतामढ़ी जिला में ऐसा कोई काम तो नहीं किया कि राज्यसभा बना दे? एक सीतामढ़ी के राज्यसभा में 20 मंत्री रहते हुए सीतामढ़ी के दुर्दशा देख रहे हैं अब क्या है? शिवहर के दुर्दशा क्या है? सीतामढ़ी की अगर बात कर रहे हैं या अर्जुन राय की बात करें, तो अर्जुन राय भी पूर्व में सांसद रह चुका है, अर्जुन राय क्या किया? अर्जुन राय सीतामढ़ी में वृक्ष बनाया, अब जो योजना अगर पास किया सरकार था उन्होंने लागू किया, अब इनको सरकार बना तो बना, तो अब क्रेडिट इनको मिलेगा, उनको तो मिलेगा नहीं, यही सारी चीज है। अब योजना तो उनको जब मंत्री में थे तब बना, लेकिन उनको में काम नहीं हुआ, काम अब हो रहा, तो इसलिए करके उनका नाम पीछे जाएगा, इसका नाम आगे जाएगा। लेकिन जनता सोच रहा है इस बात के, जनता जान रहा है कि अर्जुन राय के ही वोट करें, और गरीब परिवार के लोग सिर्फ अर्जुन राय के वोट करे। अर्जुन राय के मैं कहता हूँ कि कोई हराने वाला नहीं है सीतामढ़ी का, जितना गरीब व्यक्ति है दलित है वो खाली अर्जुन राय के मैं कहता हूँ कि अगर वोट करे तो अर्जुन राय का हराने वाला कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कहीं से नहीं देख रहे कर रहा है। अच्छा, आप किस जाति से हैं? हम तो पासवान जाति से हैं। अच्छा, पासवान जाति, तो फिर आप लोग चिराग पासवान को क्यों नहीं वोट दीजिएगा जो आरजेडी के उम्मीदवार के अर्जुन राय को वोट दीजिएगा? देखिए, अपना मत है, हमारा अपना विचार है। आप संविधान के बारे में मोदी जी कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, उस मुद्दा को देख करके वोट करना है। ये वोट करना आसान नहीं है, बड़ी दिमाग और दिल से वोट करना है, सोच और विचार के कि हमारे लिए कौन कर सकता है, हमारे लिए समाज के लिए कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। आज मोदी जी मैंने बहुत सारा के बात करा कि हम ये कर दिए वो कर दिए, कांग्रेस के सरकार में 400 रुपए की सिलेंडर था, आज भाई साहब 1200 रुपए की सिलेंडर बिक रहा है। दलित के घर में सिलेंडर की वजह से घर में खाना नहीं होता, आज दलित के घर में कई दलित ऐसा आपको मिलेगा, आप निरीक्षण कीजिए, गांव में घूमिए, कई ऐसा घर दलित का आपको मिलेगा कि उसके पास घर में चावल है, आटा है, लेकिन गैस नहीं है, तो उसके घर में खाना नहीं बनेगा कि 1200 रुपये दलित के जेब में होगा तभी तो गैस मिलेगा। लेकिन यही ये भी बात है, दलित इस बात पर भी विचार करे, पेट्रोल 100 रुपये किलो हो गया, बीजेपी के सरकार में हुआ ना, काम किया है बीजेपी चाहे जो भी हुआ है, महंगाई भी चरम पर आया है, ऐसी बात नहीं है। आई क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा है तो बढ़ा कहाँ से है? वो तो हमारे पैसे से बढ़ा है ना, 1400 का सामान 1200 में बिका तो डबलेट तो होगा, पैसे तो जा रहा है ना भाई। आई पेट्रोल 70 रुपए की बिक रहा था, 100 रुपए की बिक रहा है, 30 रुपए लीटर अगर बढ़ गया तो डबलेट तो होना है, तो विचार इस पर करना है। तो गरीब के जेब से ना पैसे निकल रहा है, अमीर का ना फर्क पड़ा है या ना पड़ेगा, अमीर का क्या फर्क पड़ना है? अमीर के या भीख मांगा के, दो देश के अंदर दो आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो भीख मांग के खाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सबसे ज्यादा अमीर है जमीन जात, आज मैं कहता हूँ जमींदार बिहार के अंदर कौन है, क्या परसेंट लोग है जमींदार? बाभन भुइया राजपूत, यही तीन जाति समाज में अमीर है। तो बीजेपी उस पर विचार करे ना, आज उसी के सब कुछ दे रहे हैं, वो पहले से अमीर है तो उसके लिए ही पर मर रहे हो। अरे गरीब के कुछ भरा करो ना, गरीब का कुछ दो ना, 5 किलो चावल दे दे तो गरीब का मुंह बंद कर दे, तो
तो सब आदमी इस तरीके की थोड़ी कि 5 किलो कुत्ता के कौरा खा करके आवाज़ बंद कर देगा अपना। बोलने वाला तो बोलेगा ही, अब कितने के मुंह बंद।